तीन हफ्ते गुजर गए, शहर में सस्ते आटे की सप्लाई बहाल न हुई। दुकानों और स्टोरों से 10 और 20 किलो वाले थैले गायब। शहरी महंगा आटा खरीदने पर मजबूर, हुकूमत के बेहिसी के खिलाफ हट पड़े। अंडे का फंडा, मुर्गी के साथ अंडों की कीमतें भी बढ़ने लगीं। एक अंडा 24 रुपए का दर्जन 286 के हो गए। नाश्ता पॉइंट्स और होटल्स पर उबला हुआ अंडा 30 रुपए का बिकने लगा। फ्राई अंडे के 40 रुपए वसूल। गरम मसाले भी 10 रुपए फीक पैकेट महंगे। डॉलर की एक बार फिर ऊंची उड़ान। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा 234 रुपए फरोख्त होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे बढ़ गया 224 रुपए 65 पैसे पर बंद हुआ। मुल्की और गैर मुल्की कर्जों में दोबारा तेजी से इजाफा होने लगा। वजीर आला किराए का तयारा नहीं उड़ा सकेंगे। महकमा खजाना ने रेंट पर जहाज लेने की समरी पर एतराज लगा दिया। महकमा कानून से राय तलब, पेपरा रूल्स मांग लिए। महकमा खजाना ने जहाज के किराए के लिए फंड्स जारी नहीं किए। सप्लीमेंट्री ग्रांट पर पाबंदी के बावजूद गुजरात पर अरबों के फंड निसार। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए मजीद 4 अरब 37 करोड़ मंजूर। दोनों शहरों के लिए मंजूर शुदा बजट 120 अरब तक पहुंच चुका। क्रीम ब्लॉक अंडरपास मंसूबा मुश्किलात का शिकार। महकमा खजाना का फंड देने से इनकार। एलडीए को अपने ज़राए आमदन से अंडरपास बनाने की हिदायत। उधर गंगाराम अस्पताल के मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक के लिए 50, मियो अस्पताल ऑपरेशन थिएटर के लिए 14.5 करोड़ जारी। पीआईसी को भी फंड मिल गए। इंसानियत के खिदमतगारों की हौसला अफजाई। शेख इजाज डायलिसिस यूनिट जिनाह अस्पताल के अमले में बोनस तकसीम। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर इजाज कहते हैं, सालाना 50,000 डायलिसिस होते हैं, अल्लाह के करम से इन्फेक्शन रेट 0 है। जस्टिस शाहिद करीम का दौरा, तिब्बी मायार को काबिल साइश करार दे दिया। प्रिंसिपल प्रोफेसर नदीम हफीज भट, एमएस डॉक्टर अमजद भी हमरा थे। पीटीआई सरकार की अदम तवज्जोही। अस्पतालों में इंटरव्यू के बावजूद तैनातियां इल्तवा का शिकार। 15 टीचिंग अस्पतालों में मुस्तकिल एमएस ना लगे। सर्विसेज अस्पताल गंगाराम जनरल मियां मुंशी में एमएस का ओहदा खाली। यकी गेट और लेडी एचिसन अस्पताल में भी मुस्तकिल एमएस नहीं। पंजाब लिक्विडेशन बोर्ड की 606 किनाल अराजी की गलत निशानदेही। मौजा मीरपुरा में मलकियत का महल वकू तब्दील। लाखों एकड़ सरकारी अराजी हाउसिंग सोसाइटीज के इस्तेमाल में होने का इंकशाफ। हरबसपुरा में सरकारी अराजी पर कब्जे की इंक्वायरियों का रिकॉर्ड। एंटी करप्शन हेडक्वार्टर तलब। कितनी गाड़ियां पकड़ी, कितनी नैलाम की, बाकी गाड़ियां कहां हैं? कस्टम्स इन्फोर्समेंट ने 5 साल रिकॉर्ड की छानबीन शुरू कर दी। पकड़ी गई गाड़ियों का ऑडिट शुरू। कस्टम्स वेयर हाउसेस में मौजूद गाड़ियों का रिकॉर्ड भी तलब। हफ्ते में 3 दिन छुट्टी का फॉर्मूला काम कर गया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। फजाई आलूदगी की मजमू शरह 223 रिकॉर्ड। पाकिस्तान इंजीनियरिंग सर्विसेज 357 और अमेरिकन लाइफ स्टेप स्कूल के तरफ AQI 357 रहा। पंजाब यूनिवर्सिटी ने बीकॉम के नतायज का ऐलान कर दिया। पार्ट वन में 2,711 उम्मीदवार पास हुए। कामयाबी का तनासुब 18.58% रहा। बीकॉम पार्ट टू के 3,931 उम्मीदवार कामयाब। 34.67% तलबा पास हुए। मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहान के नतायज का ऐलान कल होगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का दफ्तर लॉरेंस रोड मुंतकिल। अमला दफ्तर की मुंतकली के एक हफ्ते बाद भी ड्यूटी पर ना आया। हजारों असातिज़ा रिटायरमेंट पेंशन समेत दीगर कामों के लिए ख्वार। डॉक्टर अशरफ निज़ामी PMA लाहौर के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। डॉक्टर शाहिद मलिक जनरल सेक्रेटरी। प्रोफेसर खालिद महमूद नायब सदर मुंतखब। डॉक्टर अनम शहजादी खातून नायब सदर। डॉक्टर वाजिद अली फाइनेंस सेक्रेटरी। डॉक्टर रियाजुल्कर नैन ज्वाइंट सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। 5 साल बरतानवी बच्ची की पाकिस्तान मुंतकली के खिलाफ समात। वजारत दाखिला, खारजा, नादरा और FIA से जवाब तलब।
बच्ची की वालिदा आसिया जोहरा को भी 20 दिसंबर के लिए नोटिस जारी, जस्टिस अली बाकर नजफी से समाप्त की। कारवां नफीस सेंटर शाहदरा के खिलाफ डिग्री जारी, दरख्वास्त गुजार को 1,25,000 हर्जाना देने का हुक्म। सारिफ ने उम्रे के दौरान नाकिस सहूलियात की शिकायत की थी। इमरान खान का लाहौर में रहना शहरियों को भारी पड़ गया। जमान पार्क में सिक्योरिटी के नाम पर रुकावटों के बायस ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। किनाल रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर, शहरियों को मंजिल तक पहुंचने में मुश्किल। मुस्लिम लीग नून का 14 दिसंबर का वर्कर्स कन्वेंशन, अरकान असेंबली को 100 कारकुन मॉडल टाउन लाने का टास्क, मतवालों ने भी तैयारियां शुरू कर दी। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कैंट स्टेशन का दौरा, चीन से आने वाली नई कोचेस का मुआयना किया। अफसरान ने दस्तयाब सहूलियात बताई। ख्वाजा साद रफीक की अफसरान को कोचेस की देखभाल और सफाई यकीनी बनाने की हिदायत। सातवें मेडिकल सुप्रीडेंट सीईओज हेल्थ कॉन्फ्रेंस, सूबाई वजीर सेहत सेक्रेटरी सेहत ने सदारत की। ईपीआई टीबी कंट्रोल हेपेटाइटिस एड्स कंट्रोल प्रोग्राम्स के डायरेक्टर्स की ब्रीफिंग। अस्पतालों में वैक्सीन अद्वियात और एक्सरे अल्ट्रासाउंड की सहूलियात यकीनी बनाने की हिदायत की। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में सिंपोजियम, गवर्नेंस, मालियाती चैलेंजेस और बेहतरीन अमली इश्तराक पर इजहार ख्याल। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर तलत नसीर पाशा ने सदारत की। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद निजामुद्दीन, प्रोफेसर डॉक्टर सरफराज खुर्शीद और दीगर शरीक। ओवरसीज पाकिस्तानीज के नुमाइंदों के लिए तरबियती वर्कशॉप, वाइस चेयरमैन पंजाब ओवरसीज तारिक महमूद अल हसन ने सदारत की। उमर सरफराज टीम आम मुसरत जमशेद समेत दीगर शख्सियात शरीक। महकमा तवानाई के ज़ेर एहतमाम लेस्को बोर्ड का इजलास, चेयरमैन बोर्ड ऑफ हाफिज मियां नुमान ने सदारत की। लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन समेत दीगर बोर्ड मेंबरान की शिरकत, ओवर बिलिंग मीटर्स की अदम दस्तयाबी समेत दीगर मसाइल और उनके हल पर बातचीत की गई। मारूफ कारोबारी शख्सियत एस एम मुनीर की याद में ताज़ियती रेफरेंस, नायब सदर लाहौर चैम्बर अदनान भट्ट, मोहम्मद अली मियाँ मिसबाहुर्रहमान, मियाँ तारिक मिसबाह की शिरकत, शेख आसिफ, शहजाद अली मलिक, शाहिद हसन शेख, मियाँ अशरफ, फहीमुर्रहमान सहगल, काशिफ यूनस मेहर समेत दीगर शरीक हुए। फिजिशियन रेवेन्यू ग्रुप पाकिस्तान के सातवें ऑफिस का इफ्तिताह, कॉलेज रोड अमीर चौक पर जदीद इमारत का फीता काटा गया। सीईओ मंसूर अहमद कहते हैं नए दफ्तर से 1500 अफराद को रोजगार मिला, मुलाजमतों का सिलसिला जारी रखेंगे। इदारा तालीमो आगाही के तहत लाइफ स्किल्स फॉर किड्स की इख्तितामी तकरीब, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद, रिजवाना गजनफर, सादिया सुहेल राना, कमल लियाकत, फातिमा जाफर की शिरकत। मकसद चाइल्ड लेबर का शिकार बच्चों को तालीम हुनर सिखाना था। मॉल रोड दुल्हा स्ट्रीट के 9 मुंतखब अहदेदारों की हल्फ बरदारी, सदर मॉल रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन सुहेल महमूद भट्ट ने हल्फ लिया। शेख मोहम्मद आकिल, हामिद शेख, मोहम्मद सलीम समेत दीगर ताजरों ने खिदमत का हल्फ उठाया। लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी में जेंडर और सोशल साइंसेज पर कॉन्फ्रेंस हुई। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्जा ने सदारत की। डॉक्टर मोहम्मद अफसर, डॉक्टर इसरार अजमल, मुजफ्फर अब्बास समेत दीगर की शिरकत। अदाकार अफजाल अहमद की याद में ताज़ियती रेफरेंस ब्लॉक में तकरीब, हदायतकार सैयद नूर, शहजाद रफीक, जरार रिजवी, डॉक्टर सुगरा सद्दफ, नासिर अदीब, अल्ताफ हुसैन का मरहूम को खराज अकीदत।